हेलो ऑल ऑफ यू. चलिए स्टार्ट करने वाले हैं. अब हम एक नई एक्ट विच इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अगर इस पर्टिकुलर एक्ट की हम बैकग्राउंड की बात करें तो आपने देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द वेरी फेमस एक्ट, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू फोर्स, द सेक्शंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स वर कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली. आज भी अगर आप बात करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आप सेक्शन 75 तक पढ़ते हो और उसके बाद सीधे आप पढ़ते हो जो आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 123. तो बीच के 76 से 122 नंबर के सेक्शंस कहां गए? सेक्शन 76 से 122 कहां गया? दीज पर्टिकुलर सेक्शंस हैव बीन रिपीट. पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक बड़ा टर्म है. कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. इवन व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अभी आपको कुछ नहीं पता है कि सेल क्या होती है, गुड्स क्या होते हैं. हर एक एक्ट में बहुत इनडेप्थ मीनिंग होता है, बट स्टिल आपको इतना तो आइडिया है कि हाँ कुछ परचेज सेल हो रहा होगा. मैंने खरीदा, आपने बेचा, हमारे बीच में क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि मैंने खरीदने के लिए प्रॉमिस किया, आपने बेचने के लिए प्रॉमिस किया, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉमिसर प्रॉमिसी बन गए. हमारे बीच में कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, एक्सेप्टेंस हुआ, लाइक राइट. तो प्रपोजल से क्या हो गया? प्रॉमिस बन गया, कंसीडरेशन जुड़ गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट. तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली. बट इवेंचुअली जब टाइम धीरे धीरे गया तो वी रियलाइज कि ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है. एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर्स, सेलर एंड एवरीथिंग, कंडीशंस किस मैनर में क्या होगा, एवरीथिंग नीड्स टू बी डिफाइंड प्रॉपरली, राइट. सो वहां से सेक्शंस रिपील हुए एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू फोर्स. लाइकवाइज द सेम थिंग हैपेंड विद पार्टनरशिप ऑल्सो. जो पार्टनरशिप के भी प्रोविजंस हैं वो भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करते थे. नाउ यू नो देयर इज अ सेपरेट एक्ट कॉल्ड एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट. सो पहले ये एंड देन पार्टनरशिप, बोथ द एक्ट्स सेपरेट अमेंडमेंट्स, सेपरेट स्टैट्यूट तैयार हो गया, सेपरेट एक्ट तैयार हो गए. दोस पर्टिकुलर सेक्शंस वर रिपील्ड. ओके, सो दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930. कब आई? 1 जुलाई 1930. अब सेल ऑफ गुड्स क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट ही है. सेल ऑफ गुड्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है. बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. इसीलिए हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट्स में से हटा के अलग एक्ट बना दी. बिकॉज है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही, पर ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. दो एसेंशियल वर्ड्स हमको यहां पे दिख रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स मतलब सेल एज वेल एज गुड्स. सेल का मतलब क्या होता है और आखिर गुड्स क्या होते हैं? सेल का मतलब क्या होता है और गुड्स क्या होते हैं? मैम इतना तो सिंपल है, गुड्स गुड्स होते हैं, सेल सेल होती है. एक बात बताओ मुझे, सपोजिटली मैं यहां से घर जा रही थी और रास्ते में मुझे एक कोई मैंशन दिखा एंड आई रियली लाइक्ड इट, ठीक है. और मैंने जाके वहां पे प्राइस नेगोशिएट किया और मुझे लगा कि इट्स वेरी रीजनेबल विद इन माई रेंज एंड आई कैन परचेज इट. सो वॉट एम आई डूइंग? आई एम गोइंग टू परचेज अ हाउस. मैं एक घर खरीदने वाली हूं, मैं घर खरीदने वाली हूं. आई विल बी अ बायर. जो घर मुझे बेचने वाला है वो कौन होगा? सेलर. हमारे बीच क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. इज इट कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? क्या वो घर
क्योंकि हम किसका सेल कर रहे हैं, वो किसका सेल कर रहे हैं, इट इज सेल ऑफ हाउस. इज इट एज गुड एज सेल ऑफ गुड्स? मतलब क्या गुड्स की डेफिनेशन में हाउस आता है? अब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि मैम हाउस गुड्स, गुड्स तो जो भी हम समझते हैं गुड्स तो गुड्स होते हैं, मतलब जिसमें आप ट्रेड करते हो ऐसा कुछ. क्या हाउस गुड्स हो सकता है, यस और नो? सो दैट इज व्हाई वी नीड टू रीड द डेफिनेशन, क्योंकि एक्चुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी इस गुड्स की डेफिनेशन के परव्यू के बाहर है. इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते हो. एक लैंड को उठा के अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे नहीं ला सकते हैं. अगर हम घर उठा के लेके जा सकते, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, तो कितना अच्छा हो जाता. हर जगह घर ले जाते, जहां जाना है वहां घर ले जाते, पर ऐसा कर नहीं सकते ना. अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं सकते. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. So try to understand, I'm only telling you this because there is a deeper meaning than we think. हमें लगता है सेल गुड्स, पर बहुत गहराई है अंदर. अब अगर आप सेल की भी बात करो, सेल की भी बात करो, तो सेल को भी समझने की कोशिश करना, सेल को भी समझने की कोशिश करना. Supposedly क्या हुआ, मेरा I don't know where my mobile phone is, मेरा mobile phone क्या हुआ, खराब हो गया. ठीक है, अचानक रैंडमली, सो आई डोंट हैव एनी बैकअप, और वो क्या हो गया, खराब हो गया. नहीं ऐसा नहीं मनाओ. अब सेलफोन मेरा खराब हुआ है तो इमीडिएटली नीड है मुझे. आई हैव टू ऑप्शंस. ईदर आई कैन गो टू द मोबाइल स्टोर एंड परचेज द मोबाइल इमीडिएटली, जो करने की मैंने सोची और मैं एक मोबाइल स्टोर पे पहुंची भी, पर वहां पे मुझे एक पर्सन मिला who was again there to purchase the mobile only, but gave me some free advice. और free advice क्या दी उसने मुझे, कि क्या आप मैम क्यों दुकान के चक्कर में पड़ी, आप अभी Flipkart खोलो ना और देखो इधर सेल उधर सेल, आपको ये आधा रेट तो मैं बहुत एग्जैगरेट करके बोल दूंगी, बट कम से कम आपको 20% डिस्काउंट पर मिल जाएगा. तो मैंने कहा यार बात तो ठीक है, और डिलीवरी भी आपको दो दिन में हो जाएगी. मैंने कहा चलो दो दिन बिना फोन के रह लेंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात हो रही है, 20% की मेरी सेविंग्स हो रही है. No, we are not discussing our mobile phone story, my mobile phone story, but we are discussing the two situations here. Pehli situation wo, jab aap gaye aur aapne mobile phone khareed liya. Mobile phone mujhe mila, payment maine kar di. Kya hua? Kya hua? Maine bhi apna kaam kar diya, aapne bhi apna kaam kar diya. Aapko mujhe mobile phone dena tha, mujhe aapko payment karni thi, hum dono ka kaam ho gaya. Kya isko main sale bol sakti hu? Yes, of course, why not? सेल हो गई. अब मेरी दूसरी सिचुएशन समझना, मैंने वहां पे मोबाइल फोन नहीं खरीदा एंड आई केम बैक होम, और उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट पे वो मोबाइल फोन ऑर्डर कर दिया. अब जब मैंने उसको ऑर्डर किया एंड आई मेड एन ऑनलाइन पेमेंट, ऑफर तो तभी मिलता है ना, ऑनलाइन पेमेंट मैंने कर दिया, दैट मीन्स मैंने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम नहीं किया है. आप अपना काम कब करोगे? दो दिन बाद. आप अपना काम कब करोगे? दो दिन बाद. क्या इसको भी हम सेल बोलते हैं? क्यों? सेल कहां हुई? अगर हम सेल क्रेडिट सेल खाएं, मैंने तो पेमेंट कर दी ना, क्या इसको भी हम सेल बोलते हैं? कंफ्यूजन उठा माइंड में, यहां होनी तो चाहिए मैम, ऑफ कोर्स इट इज अ सेल, बट वी डोंट नो द जस्टिफिकेशन बिहाइंड इट, कि हम क्या आपको बोले कि आप कन्विंस हो जाओ कि हाँ ये सेल है, और इसको पता है कि हाँ ये सेल है. आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि इसको हम सेल मानेंगे, बट किन ग्राउंड्स पे मानेंगे? किन ग्राउंड्स पे मानेंगे? हमें पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल का मतलब क्या है, सेल का स्कोप कितना बड़ा है, क्योंकि ये लॉ है, दिस इज नॉट जनरल नॉलेज, और दिस इज नॉट एनी लॉजिकल रीजनिंग. ऑल दो हमारा जो लॉ है प्योर लॉजिक पे ही बना हुआ है, ठीक है. सो हर एक प्रोविजन के पीछे छुपी हुई इंटेंशन आप समझ सकते हो, पर फिर भी आप उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हो. आप उसके पीछे छुपी हुई लॉजिक को निकाल सकते हो टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन बेटर, बट व्हाट द प्रोविजन इज, इट इज, एंड यू कैन नॉट चेंज इट.
जो लॉ में लिखा है वही है और उसी को याद करना है, उसी को मानना है, उसी को लिखना है, उसी को अप्लाई करना है. यू कैन नॉट चेंज इट, राइट? सो वील स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. हम सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं, गुड्स का मतलब क्या है, उसके बाद हम जाएंगे कि सेल का मतलब क्या है. गुड्स क्या होते हैं, सेक्शन टू. सेक्शन टू क्या होता है, डेफिनेशन का सेक्शन होता है ना. देखो जरा क्या लिखा हुआ है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो सबसे पहला चीज हमने क्या रूल आउट किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी. Immovable property are not covered in the definition of goods. Immovable property का मतलब क्या हो गया, example land, building, etc. और भी होती है कुछ permanently attached to earth, जाने दीजिए वो सब. Clear है, immovable property नहीं है. Other than actionable claims and money, मतलब एक्शनेबल क्लेम्स भी नहीं है. अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम एक्शनेबल क्लेम क्या होता है. एक्शनेबल क्लेम वो होता है जिसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन ले सकते हो, मतलब जिसको आप एनफोर्स करा सकते हो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. इसका मतलब क्या है, एक एज ऑफ नाउ, मतलब इस लेवल पे अगर हम बात करें, डेट. डेट क्या होती है, उधार, है ना. अगर किसी को आपको पैसे देने हैं, दैट इज समबडी ओ समथिंग टू यू. अब क्या ये आप जाके एनफोर्स करा सकते हो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? बिल्कुल करा सकते हो. ये क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ओनली दैट यू आर होल्डिंग, राइट? इट इज अ प्रॉपर्टी ओनली दैट यू आर होल्डिंग, बट दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर गुड्स. ये गुड्स में कवर नहीं होगा, ये गुड्स में कवर नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया. मनी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि नहीं. प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी मतलब होते हैं हमारे एसेट्स. अगर हम एकदम हाँ तोड़ के बात करें तो क्या होता है प्रॉपर्टी, हमारे एसेट्स. अब एसेट्स क्योंकि हमें तो ना कॉमर्स की भाषा ही समझ में आती है, और कॉमर्स की अगर हम लैंग्वेज समझे तो एसेट्स क्या होते हैं, हमारी बैलेंस शीट में जितने आइटम्स हैं वो सारे हमारे एसेट्स हैं. तो उसमें से हमने कहा एक्शनेबल क्लेम्स को तो रूल आउट कर दो. उसके बाद हम आते हैं मनी, आर बिगेस्ट प्रॉपर्टी, है ना, जिसके पास हो उसके लिए. तो क्या ये मूवेबल है? ऑफ कोर्स इट इज मूवेबल, इधर से उधर, उधर से उधर. पर क्या ये गुड्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, गुड्स नहीं कहलाएगा. सेल ऑफ मनी, इमेजिन अ सिचुएशन, सेल ऑफ मनी, मैं मनी को बेच रही हूं. और दो आजकल ये भी होता है, आई डोंट नो आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे, बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो द सिचुएशन. आप हाँ पुरानी थोड़े से आउटडेटेड करेंसी हो जाती है उसको ले जाओ सेल करो, आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं. सो गुड्स का भी ये हाँ, तो क्या पता ये इंक्लूड हो जाए. या फिर अगर आपने देखा है कि अगर आपके पास न्यू करेंसी है, जैसे आपके पास नए नोट की गड्डी, हम जिसको बोलते हैं होल स्टॉक, वो होता है हाँ, से कोई भी मान लीजिए 500 की अगर आपके पास न्यू करेंसी की पूरी गड्डी है, तो कोई आपसे मांग सकता है यार ये मेरे को दे दे, चल 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना. मतलब वो एक्चुअली आपको उतनी पेमेंट तो कर ही रहे हैं, मतलब अगर 500 की है और 100 नोट्स एक गड्डी में होते हैं तो 50,000 रुपीज हुआ. पर उसने आपको क्या कहा, उसने आपको कहा मैं 51,000 दूंगा. तो एक्चुअली वहां पे हम ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं, मनी की भी ट्रेडिंग कर रहे हैं. पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मनी को हम गुड्स नहीं मानेंगे. Money will not be goods. ठीक है, money will not be goods. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास shares हैं, मान लीजिए Reliance का कोई IPO निकला और मैंने shares purchase किए. Shares purchase करने का मतलब क्या है, मेरे
रिलायंस को पैसे दिए और उन्होंने मुझे क्या किया, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया। तो मेरे पास 10 शेयर्स हैं रिलायंस के जिनकी की वैल्यू है सपोजेडली 10,000। ठीक है, तो मेरे पास 10,000 के शेयर्स हैं, शेयर्स हैं। ये शेयर्स मैं किसी को बेचना चाहती हूं, सेल ऑफ शेयर्स। क्या ये सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा? मतलब क्या गुड्स की डेफिनेशन में हम स्टॉक या शेयर्स इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं? शेयर्स मतलब अलग अलग शेयर्स, इनको कंबाइन करके जब हम इनका बंडल बना देते हैं तो उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक हो मतलब शेयर्स हो या स्टॉक हो, क्या इसको हम डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो ये इंक्लूड नहीं होगा, स्टॉक एंड शेयर्स विल बी इंक्लूडेड। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि फार्मर्स, जैसे फार्मर्स होते हैं, तो हम गए और हमने देखा कि क्रॉप्स हैं जो अभी उग रही हैं, मतलब दे आर ग्रोइंग क्रॉप्स, ओके, दे येट टू बी सीवर्ड फ्रॉम द लैंड। मतलब क्या होता है उसके बाद, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ काटते हैं ना, उसको काटते हैं छाटते हैं तो कटाई होती है, राइट। अब अभी तो क्या है, इट इज अटैच्ड टू द लैंड, इट इज अटैच्ड टू द लैंड। वो क्रॉप्स अभी ग्रो हो रही है लैंड से अटैच होके, बट और हमने कहा कि ये गुड्स कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? यस, दे विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, बिकॉज सेल होने पे आप क्या करोगे, जब आपको ट्रांसफर करना है तो इट विल बी सीवियर्ड फ्रॉम द लैंड। दे हैव द कैपेसिटी टू बी सीवियर्ड फ्रॉम द लैंड, सीवियर्ड मतलब अलग कर दिया जाएगा उसको, तो आप लैंड से उसको अलग कर सकते हो, राइट। सो ग्रोइंग क्रॉप्स हो, ग्रास हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो लैंड से जुड़ी हुई है पर आप उसको अलग कर सकते हो बिफोर सेल या बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिफोर सेल या बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इज दैट क्लियर? सो ये हम एक्सक्लूड करते हैं और हम इंक्लूड क्या करते हैं? व्हाट डू वी इंक्लूड? वी इंक्लूड stocks and shares, we include growing crops, right, and अगर हम बात करें FDR की, FDR मतलब fixed deposit, FD सुना होगा आपने, they are also considered as goods under Indian Contract Act which is read with सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो अगर हम FDR की बात करें तो FDR भी क्या हो जाता है, हमारा गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो गुड्स की अगर आप बात करो सेक्शन 27, उसमें गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, growing crops and things attached to earth which have the capability or which are agreed to be severed from the land before sale or before contract of sale. Abhi contract of sale aur sale mein kya difference hai, wo jab hum sale padhenge tab aapko samajh mein aayega. Clear hai? Yaad ho gayi definition? Chalo, goods abhi khatam nahi hua hai, abhi goods mein bahut kuch aur hai, abhi goods mein bahut kuch aur hai. गुड्स का क्लासिफिकेशन, गुड्स का क्लासिफिकेशन एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, existing goods, future goods, contingent goods. और अगर existing है तो उसमें भी specific, ascertained and unascertained. This is the classification that we need to study or that we need to know about goods. तो अब समझो जरा और goods का meaning establish करने की कोशिश करना, the various categories that I'm trying to tell you. सबसे पहले आता है existing goods, the easiest of all. Existing goods, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, exist करते हैं, नाम से क्या समझ में आ रहा है, एग्जिस्ट करते हैं,
मान लीजिए आप आए मेरे पास और आपने मुझे कहा कि मैम हमें ये पर्टिकुलर लॉ की बुक चाहिए, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ कॉपी स्टैक्ड आउट हियर। मैंने क्या की, एक आपको दे दी। मैंने क्या की, एक आपको दे दी। अगर इन लॉ बुक्स की हम बात करें तो क्या ये एग्जिस्टिंग है? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, आपको सामने सामने दिख रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन समझना, अभी द बुक्स आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अभी आई एम राइटिंग दीज बुक्स, अभी सब चीज चल रही है, बुक्स बनी नहीं है। और उसके बाद भी आपने मुझे आके कहा कि मैम मुझे ये पर्टिकुलर लॉ की बुक चाहिए। मैंने आपको कहा एक महीने बाद मिलेगी, एक महीने बाद मिलेगी, ठीक है? तो क्या ये भी गुड्स है, वो लॉ की बुक जो एक्चुअली अभी बनी भी नहीं है, एक्चुअली अभी बनी भी नहीं है, तो क्या वो भी गुड्स है? बिल्कुल। पर वो कौन से गुड्स होंगे? फ्यूचर गुड्स। वो कौन से गुड्स होंगे? फ्यूचर गुड्स। आप कितनी चीजें ऑर्डर देते हो? बर्थडे आती है? एनिवर्सरी तो अभी नहीं आती होगी, बर्थडेज तो आती होंगी। बर्थडेज पे आप क्या करते हो? द मैंडेटरी थिंग, इतनी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि आप क्या करते हो। मैंडेटरी चीज क्या होती है? केक कटिंग, राइट? केक का ऑर्डर देने चाहते हो या केक लेके भी आते हो? दोनों सिचुएशन होता है। एक जो आप केक लेके आए, वो केक आपने देखा, मुझे ये केक दे दो, व्हाट इज इट? एग्जिस्टिंग गुड्स है। और दूसरी सिचुएशन क्या हुई, आपने एक दिन पहले ऑर्डर दिया, पेमेंट भी कर दी, पर वो गुड्स है ही नहीं। आपने जिसके लिए ऑर्डर दिया वो तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगले दिन बनेगा। हाँ, हो सकता है सारे इंग्रेडिएंट्स भी पहले खरीद के आए और उसके बाद फिर वो बने, देखो फिर आपको मिले। सो दैट मीन्स वो क्या है? फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर में बनने वाले गुड्स। समझ रहे हो मेरे पॉइंट? तीसरा सिचुएशन है कंटिंजेंट गुड्स। तीसरी सिचुएशन क्या है? कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको विराट कोहली का बैट बहुत पसंद है, हो सकता है ना, मतलब यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट और आपको क्या चाहिए, हाँ, इन एनी केस, मतलब आप इतने ज्यादा डेस्परेट हो कि आपको बस वो बैट मिल जाए, यू आर रेडी टू पे एनी अमाउंट दैट यू वांट, ठीक है? सो आपने 20 लाख पे डील क्रैक की है। डील कैसे आपने क्रैक की है? आप गए अनुष्का शर्मा के पास, ठीक है, और आपने उनको बोला कि मुझे ये बैट परचेज करना है, उनका एक जो डिस्कार्डेड बैट है, the one he is not using, ठीक है, वो मुझे परचेज करना है, and I'm ready to pay an amount of 20 lakhs, but वो क्या है, विराट कोहली का बहुत लकी बैट है, वो रखते हैं अपने पास। नहीं, देखो अब ऐसा होता है कि वाइफ होती है ना, बीवी होती है, तो सबको लगता है कि यार बीवी से तो पूरी दुनिया डरती है, तो जब अनुष्का शर्मा से डील क्रैक कर ली तब तो बैट मिल ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। देखो रियल लाइफ में ऐसा सच में नहीं होता है, कितने भी आप जोक्स बना दो। सो द पॉइंट हियर इज कि अब जरूरी नहीं है कि वो बैट आपको मिल जाए। इट इज आपने डील कर ली, आपने डील किसके साथ की? अनुष्का के साथ। बट हु इज द पर्सन इन्वॉल्व्ड हियर? विराट। नॉट नेसेसरीली विल गेट द बैट, कोई गारंटी तो नहीं है कि आपको मिल जाएगा। क्या चीज की गारंटी नहीं है? कि विराट एग्री करेंगे टू गिव द बैट, बट यू हैव ऑलरेडी क्रैक द डील। तो क्या ये गुड्स कौन से हो गए? ये गुड्स कंटिंजेंट है। व्हाई दे आर कंटिंजेंट? बिकॉज हमें पता नहीं कि हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमें पता नहीं कि हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, मीनिंग बाय मीनिंग बताऊंगी, ठीक है? मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही थी विद एन एग्जाम्पल की व्हाट आर दीज गुड्स। देखो सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल से क्लास तो बहुत एंटरटेनिंग लगती है, पर पॉइंट ये हो जाता है कि जब एग्जाम में लिखने को आता है ना तो कुछ हमें समझ में नहीं आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या लिखा है वो हम समझते हैं कि नहीं, और कैसे हम उसे याद करते हैं और कैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड ताकि आपके वो दिमाग में डिटेल हो कि एक्चुअली कंसेप्ट ये है, पर लिखना कैसे है, क्या वर्ड्स यूज करोगे। सिर्फ एक एग्जाम्पल सीख लोगे तो कंटिंजेंट डेफिनेशन, अभी मैं आपको बोलूं कंटिंजेंट गुड्स क्या होते हैं, लिख दो, आप नहीं लिख पाओगे। गुड्स आपको पता है कि क्या होते हैं, पर ये डेफिनेशन अगर नहीं पढ़ाओगी तो आप नहीं लिख पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हमें सब चीज का बैलेंस बना के चलना है।
एग्जिस्टिंग गुड्स, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या? द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज दोज ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब मेरे पास है, मेरे पोसेशन में है। पोसेशन में होना का मतलब दिस इज इन माय पोसेशन, ये मैं आपको दे दूं, भले ही मेरा रहे, आपके पोसेशन में हो जाएगा। सो मेरे पोसेशन में है या कहीं पे भी है, ठीक है। दे आर ओल्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर एग्जिस्टिंग गुड्स। क्यों हमने बोला ओल्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? विराट अनुष्का का केस याद करो। सो वो कंटिजेंट गुड्स हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट, क्या मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं हो गए, वो फिर क्या हो गए? कंटिजेंट गुड्स हो गए। क्लियर? हाँ। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के तीन क्लासिफिकेशन है, स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड एंड अनएसर्टेन्ड। स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड और अनएसर्टेन्ड, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा गया एक शॉप पे, ठीक है, या छोड़े आप शॉप, हाँ क्यों नेबर्स को इन्वॉल्व करना, एक शॉप पे गया और वहां पे उसको क्या दिखी? पांच बॉल्स दिखी अलग अलग डिजाइन की, पांच बॉल्स दिखी अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर, विच यूजुअली हैपन विद चिल्ड्रन, है ना। बच्चों को आप लेके जाओगे ना तो दे फाइंड एवरीथिंग अट्रैक्टिव और बोलते ये वाला नहीं ये वाला, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों एक जैसे ही तो है, राइट? बट दे विल टेल यू नहीं ये नहीं ये, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, क्या बोल रहे हैं हम उसको? किसी ने ये सिलेक्ट किया, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड। मेरे पास मान लीजिए पांच कार हैं एंड आई वांट टू सेल वन कार, तो क्या आप कोई भी कार आके उठा के ले जाओगे? नहीं, यू विल पिक द वन और यू विल बाय द वन विच आई वांट टू सेल। तो मैंने एक कार पिक की है, दैट इज द स्पेसिफिक गुड। ये वाली कार मैंने अगर यही डिसाइड की है और आपने यही परचेज करने के डिसाइड किया है, तो भले ही मेरे पास चार कार और है, मैं आपको कोई भी सेल नहीं कर सकती। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड। ये क्या हो गया? इतने सारे गुड्स हैं, बट दिस इज द स्पेसिफिक गुड। ओके, सो एनी यू कैन से स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब आपने आइडेंटिफाई किया इन गुड्स को और आपने ये एग्री किया कि आई वांट टू परचेज दिस पर्टिकुलर गुड व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अ सेल आल्सो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब भी क्या होता है? जरूरी नहीं है सेल अभी एग्जीक्यूट हो, मतलब जरूरी नहीं है कि बॉल मैं अभी लेके जाऊं, जरूरी नहीं है वो जो मुझसे गाड़ी खरीद रहा है वो अभी लेके जाए, उसने एग्री कर लिया है। अभी आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पर उसने क्या है, एग्री कर लिया कि वो खरीदेगा। अब पांच दिन बाद वो खरीद सकता है, तो पांच दिन बाद सेल होनी है, पर हमारा डिसाइड चीजें आज हो गई हैं, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक गुड्स हो गया। क्यों स्पेसिफिक हो गया? क्योंकि उसने आइडेंटिफाई किया है और उसने एग्री किया है। द गुड्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड विच हैव बीन एग्रीड। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से थे? विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्पेसिफिक गुड्स कौन से हो गए? स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग ही होंगे, इतना समझ लेना, क्योंकि एग्जिस्टिंग के क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं, तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होंगे? एग्जिस्टिंग ही होंगे, पर एग्जिस्टिंग में क्या? द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड विच आर एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगला है एसर्टेन्ड गुड्स। एसर्टेन्ड गुड्स, एसर्टेन्ड गुड्स का अगर मैं आपको टिपिकल एग्जाम्पल दू ना, तो कभी देखा है अपनी मम्मी चाची ताई जो भी हो उनको शॉपिंग करते हुए? शॉपिंग भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की, हाँ, जो आप स्ट्रीट वेंडर्स से करते हो, जो ठेला लेके आते हैं ना आप उनसे, अगर मान लीजिए एक वेंडर आ रहा है जिसके पास क्या है, टोमेटोस है, टमाटर, टमाटर का ठेला, अब आप उनसे जब खरीदने जाओगे ना,
आपका तो पता नहीं, बट जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आपकी मम्मी, विच इज एक्चुअली द थिंग दैट आई अप्रिशिएट, वो मैं कभी शायद कर भी नहीं पाऊंगी, पर वो अगर गई है टमाटर लेने, तो व्हाट शी विल डू इज शी विल पिक अप वन टोमेटो, ऐसे उठाएंगे उसको, पूरा ट्विस्ट टर्न करके देखेंगे कि कहीं से भी वो रॉटन होने का साइन तो नहीं है. एंड इतनी अच्छी पहचान होती है कि दे आइडेंटिफाई एवरीथिंग. हाँ, तो क्या हुआ, उन्होंने आउट ऑफ इतने सारे टोमेटोज विच आर एक्चुअली द सेम, मतलब अगर आप देखोगे तो सारे के सारे आपको एक जैसे ही लगेंगे, अनलेस कोई बहुत ज्यादा रॉटन रहता है तो मुझे भी समझ में आ जाता है, बट बाकी तो क्या होता है, सब सेम ही लगते हैं. पता कैसे चलता है कि अच्छा है ये बुरा है? खैर, शी पिक्ड अप 2 kgs ऑफ टोमेटोज इन अ बास्केट एंड मेड देम केप्ट असाइड. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इसको मेड इट की, हाँ उन्होंने बोला इसको साइड में रखो आप, मैं अभी वापस आ रही हूं, फिर मैं अपने ये 2 kg टमाटर ले लूंगी. अब ये क्या है, ये क्या है, ये होते हैं एसर्टेन गुड्स, काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू स्पेसिफिक गुड्स. अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करो तो वो स्पेसिफिक गुड्स ही हैं. यहां पे भी तो क्या हुआ था, एक बॉल को आइडेंटिफाई कर लिया था, है ना, आइडेंटिफाई कर लिया था और एग्री कर लिया था कि ये है, तो वैसे ही एसर्टेन गुड्स भी होते हैं. ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर बात करो, एसर्टेन और स्पेसिफिक सेम ही चीज होती है, पर फिर भी ये वो गुड्स होते हैं विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. जैसे अगर हम बात करें, व्हेन फ्रॉम अ लॉट ऑफ आउट ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स द नंबर और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाइड, सच आइडेंटिफाइड गुड्स आर नोन एज एसर्टेन गुड्स. इतनी लार्ज क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज थे, उसमें से आपने क्या किया, कुछ टोमेटोज को पिक किया और आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये मुझे चाहिए, अब ये क्या बन गए, एसर्टेन्ड गुड्स हो गए. सो आपने आइडेंटिफाई किया और अब ये क्या बन गए, एसर्टेन्ड गुड्स. क्लियर? लाइकवाइज अनएसर्टेन्ड गुड्स क्या होते हैं. अच्छा, मेरी एक एडवाइस है कि जितने भी आप एग्जाम्पल्स सुन रहे हो इन योर लैंग्वेज, कीप राइटिंग देम, साइड में उसको लिखते जाओ इन योर लैंग्वेज. आई डोंट वॉन्ट इट टू बी इन माई लैंग्वेज, क्योंकि जो आपको समझ में आता है वो आपको लिखना चाहिए, पढ़ना आप ही को है. ठीक है, इन एग्जामिनेशन ऑल्सो यू कैन कोट एग्जाम्पल्स, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, जब आपको बोला जाता है स्टेट विद एग्जाम्पल, आपसे आ सकता है क्वेश्चन, तो आप एग्जाम्पल्स बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो. यू कैन यूज दीज डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. Unascertained goods. अब unascertained goods क्या होते हैं, आप गए एक शॉप पे या फिर आपने फोन कर दिया, there can be any situation. फ्रिज है एक, रेफ्रिजरेटर, उसमें 100 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है, आपने बोला कि एक 7-Up दे देना, से फॉर एग्जाम्पल. अब वहां क्या है, 27-Up की बॉटल्स हैं, विच आर ऑफ द सेम साइज, सेम पैकेजिंग, हाँ सेम टेम्परेचर, सब चीज एकदम सेम है, उसमें से तो आप क्या छाटोगे, वो क्या हो गए, अनएसर्टेन्ड गुड्स हो गए. राइट, द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और एसर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. हमने कोई भी चीज का, मान लीजिए ये मैं लेने गई और मैंने इसका सैंपल देखा और मैंने कहा ऐसे 100 पीस भेज देना, ये अनएसर्टेन्ड गुड्स होंगे, ये अनएसर्टेन्ड गुड्स होंगे. इवन इन केस ऑफ टोमेटोज, इफ आई एम नॉट पिकिंग अप एंड आइडेंटिफाइंग देम एंड एसर्टेनिंग देम, मैं उनको नहीं कर रही हूँ सॉर्ट आउट. जैसे अगर मैं टोमेटोज लेने जाऊं, सो व्हाट आई विल से इज 2 kgs दे देना, वो कुछ भी 2 kgs उसमें से दे देगा, सो वो क्या हो जाएंगे. बट व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग गुड्स लाइक दिस, वो क्या हो जाते हैं, आपके स्पेसिफिक गुड्स होते हैं या एसर्टेन्ड गुड्स होते हैं. ठीक है, और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो सिचुएशन में आपके गुड्स क्या कहलाते हैं, अनएसर्टेन्ड गुड्स. सो स्पेसिफिक गुड्स जिनको आप आइडेंटिफाई करते हो और एग्री करते हो जब आप सेल करते हो, तो एसर्टेन्ड गुड्स जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. ठीक है, आपने सारी चीजें डिसाइड कर ली, सब कर लिया, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया, अच्छा चलो चाट लो, कर लो, राइट.
नहीं, देर कैन बी अ सिचुएशन ऑल्सो, लाइक अगर हम कमर्शियल टर्म्स में बात करें तो मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, जैसे कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है और आपने बोला मुझे 10 kg कॉटन बेल्स चाहिए, ठीक है, कुछ भी, जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एग्री कर लिया, आपको सैंपल भी भेज दिया, आपने प्राइस भी कोट कर लिया, आपने सब चीजें डिसाइड कर ली, फिर भी आप फैक्ट्री में गए और उसके बाद आपने पिक किया ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, और आपने छांटे, तो वो क्या हो गया, वो एसर्टेन गुड्स हो गए, वो एसर्टेन गुड्स हो गए, क्योंकि दैट इज द वे टू एस्टैब्लिश द डिफरेंस, द वेरी स्लाइटेस्ट और माइन्यूटेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक गुड्स एंड एसर्टेन गुड्स, ठीक है. तो बोलते हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, और अनएसर्टेन आपको समझ में आ गया, जिसको आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करते हो या एसर्टेन नहीं करते हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? चलिए आते हैं हम फ्यूचर गुड्स पे. अगली हमारी डेफिनेशन जो फ्यूचर गुड्स की है, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने पहले कर लिया, पर उसके बाद हम क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या गुड्स को कहीं से खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे, मतलब वो फ्यूचर गुड्स हैं. विलेजेस में या अर्बन एरिया, वो रूरल एरियाज में आज भी सिचुएशन क्या है कि ट्रीज भी लोग खरीद लेते हैं. ट्रीज खरीद लेते हैं, मतलब ट्री उनकी नहीं हो गई है, सीजनल ट्री खरीद लेते हैं, कि हमें दिख रहा है कि चलो अगले सीजन में ये ट्री मेरी, इसमें जितने भी मैंगोज ग्रो करेंगे वो क्या हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे, ठीक है. या आपने ये डील क्रैक कर ली, फार्मर्स ने बोला कि अगले साल हम आपको 50 kg ऑफ ऑरेंजेस देंगे, इस रेट पे देंगे. अब ये क्या है, ऑरेंजेस अभी हैं थोड़ी ना, पर एक फार्मर को पता है कि चलो मैं 100 kg तो प्रोड्यूस कर लूंगा, तो 50 का मैंने कमिटमेंट किया है, कोई बड़ी बात नहीं है. या मैं 60 तो कर लूंगा, 10 मान लीजिए खराब भी हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, तो भी 50 में दे दूंगा. तो ये क्या है, फ्यूचर गुड्स है. फ्यूचर गुड्स मतलब जो अभी नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड या एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, उसके बाद वो गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या एक्वायर होने वाले हैं. एंड द नेक्स्ट इज कंटिंजेंट गुड्स. कंटिंजेंट गुड्स जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे सेलर डिपेंड्स अपॉन एनी अनसर्टेन कंटिंजेंसी विच कैन बी कॉल्ड एज एन अनसर्टेन इवेंट, हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट गुड्स बोलते हैं. मैंने वादा कर लिया आपसे कि मैं आपको ये पर्टिकुलर बुक प्रोवाइड कर दूंगी, बट इट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट आई एम एबल टू परचेज इट. मान लीजिए मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, और मैं दिल्ली जा रही हूँ और आपने मुझसे कहा कि मैम ये वाली ना बुक मेरे लिए ले आइएगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगी. Now this is contingent goods because I don't have it. They're not even future goods, है ना? अब हाँ मैं आपको लाके सेल कर दूंगी, provided I am able to purchase it. तो अभी it is dependent on an uncertain event. Uncertain event क्या है? मेरा खरीदना. Purchase of book by me is an uncertain event. If I am able to do this, then I'll able to sell it to you. तो ये क्या हो गए, हमारे कंटिंजेंट गुड्स हो गए. ये हमारे कंटिंजेंट गुड्स हो गए. इज दैट क्लियर? सो आई होप गुड्स का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है. चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं जो है सेल का. सो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इज क्लियर टू यू, आपको पता है कि अब गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स कितने तरीके के होते हैं, देयर कैन बी एग्जिस्टिंग फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड एंड अनअसर्टेन्ड, राइट? तो इतने तरीके के गुड्स आपने पढ़ लिए. अब पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है, देन वील कंबाइन बोथ और हम रिलेट करेंगे, ठीक है, विद ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स हम सेल को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल इज गिवेन अंडर सेक्शन 4. A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property
एंट्री इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. थोड़ी हैवी हैवी टर्म्स हैं. सबसे पहली बात तो ये उठती है कि बायर और सेलर, जो दो पार्टीज की हम इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं ना, एक सेल हो रही है तो दो पार्टीज तो होंगी ही होंगी, एक बायर होगा और एक सेलर होगा. तो ये बायर और सेलर कौन होते हैं? ये बायर और सेलर भी इस एक्ट में डिफाइंड है. या बायर का मतलब होता है एनी पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स. हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स. अब इसका मतलब क्या है? किसी ने खरीद लिया और किसी ने एग्री किया कि वो खरीदेगा. खरीद लिया मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आप ग्रोसरी लेने जाते हो, आपका मन किया आज आइसक्रीम खाने का, आप गए दुकान पे शॉप पे और आपने आइसक्रीम ली, उससे पैसे दिए, तो मतलब आपने खरीद लिया, यू आर अ बायर. दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने एग्री किया टू बाय. आपने एग्री किया है टू बाय. किसी को आप स्पेसिफिकली बोलते हो ना कि मेरे लिए ये चीज मंगा दीजिएगा, मुझे ये चाहिए. अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मंगा दीजिए और भाग लेते हैं दोबारा, दे नेवर टर्न अप, राइट. बट ऐसी सिचुएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी आप सब चीज देखोगे यहाँ पे, प्राइस का इन्वॉल्वमेंट, एग्रीमेंट, सेल, सब चीज का इन्वॉल्वमेंट. बट अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? बायर. बायर का मतलब वो भी है जिसने खरीदा और वो भी है जिसने खरीदने के लिए तैयार हुआ, उसको भी हम बायर बोलेंगे. लाइकवाइज अगर हम सेलर की बात करें, वो भी सेलर है जिसने एक्चुअल में बेचा और वो भी सेलर है जो तैयार हुआ कि मैं बेचूंगा. सो एनीवन हु एग्रीज टू सेल इज आल्सो अ सेलर. सो सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल. तो अगर आप देखो तो इनकी जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत वाइड हो गई, वाइड इन देयर कॉमन मीनिंग. मतलब अगर हम इसको समझते हैं कॉमनली तो उससे बहुत ज्यादा वाइड है, बिकॉज ये उस पर्सन को भी इंक्लूड कर रही है जो तैयार हो रहा है सेल करने के लिए या खरीदने के लिए, सेल या परचेज कुछ भी करने के लिए जो तैयार हो रहा है पर्सन, वो भी एक्चुअली बायर या सेलर कहला रहा है, राइट. दे आर बेसिकली द टू पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो कभी भी एक पार्टी के साथ नहीं हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है? देर हैज टू बी टू पार्टीज. दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना. तो दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट यहां पे किसका किसका है? बायर और सेलर, ये दो पार्टीज इन्वॉल्व है. कमिंग बैक टू आर डेफिनेशन, जो हमने पढ़ा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहली बात तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है. जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है मतलब क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पे अप्लाई होगा? हाँ, कुछ चीजें अप्लाई हो सकती है, राइट. कुछ चीजें अप्लाई हो सकती है और क्योंकि हमने उसी में से एक्सट्रैक्ट किया है तो अभी भी उसकी काफी सारी चीजें इस पे अप्लाई होती है, ठीक है. और इनफैक्ट जो चीजें यहां पे नहीं लिखी हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही अप्लाई होंगी. सो ये क्या है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है. मतलब जो हमने जाना है, समझा है, द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो यहां पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, वो यहां पे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. बट एनीवेयर अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, हम किसको मानेंगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को. तो पहले हम सारे इसके प्रोविजंस मानेंगे, उसके बाद जो फिलर प्रोविजंस होंगे, जैसे इस पर्टिकुलर बात के लिए ये एक्ट कुछ नहीं बोल रही है तो वी कैन रेफर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है. कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जहां पे सेलर, अब हमको बताया कि सेलर कौन है, सेलर जो बेचता है वो भी और जो एग्री करता है कि हम बेचेंगे वो भी. सो वेयर सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर. सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी of goods to buyer for a price. इतनी चीजें लिखी हुई है. हाँ, प्रॉपर्टी, चलो प्रॉपर्टी इन गुड्स, इतनी चीजें लिखी हुई है, राइट. हाँ, सेलर हमको पता है क्या होता है. ट्रांसफर का मतलब क्या होता है?
ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, इधर से इधर जाना, ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं प्रॉपर्टी समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी। प्रॉपर्टी भी अगेन डिफाइंड है सेक्शन 2 में। और क्या है प्रॉपर्टी का मतलब, प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप। हर कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ownership must be transferred by the seller to the buyer, or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership to the buyer. अब इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम बोल रहे हैं ownership? एक concept समझने की कोशिश करना, ownership and possession का, ownership और possession का। हाँ, ये एक क्या है, duster है। Do I own it? ऑफकोर्स मैम, हम प्रिज्यूम तो यही करते हैं कि आप ही का होगा, आप डस्टर तो उधार पर नहीं लेके चल रहे होंगे। चलो, क्या ये पोसेशन में है मेरे? बिल्कुल। सो ये इसकी ओनर भी मैं ही हूं, ये मेरे ही पोसेशन में है, ओनरशिप भी मेरी, पोसेशन भी मेरा। अब मान लीजिए एडजेसेंट यहां पे कोई और क्लास चल रहा है और कोई टीचर आए और मुझसे ये डस्टर बोरो करे, ठीक है, बोरो मुझसे ये डस्टर, हाँ ऐसे ही लिया, ठीक है, और बोला कि मैं आपको वापस देता हूं। तो किस लिए लिया, कुछ इरेज करना होगा, वो इरेज करते उनका डस्टर नहीं मिल रहा, मान लीजिए वापस मेरे को दे दिया, तो ये क्या हो गया, इस डस्टर की ओनरशिप तो मेरे पास ही रही पर पोसेशन ट्रांसफर हुआ, मतलब कस्टडी। और दो कस्टडी और पोसेशन में भी डिफरेंस होता है, पर ठीक है अभी हम उतना ही समझते हैं कि मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से गुड्स गए पर ओनर उसकी मैं ही हूं, ओनर उसकी मैं ही हूं। आपने मान लीजिए मुझसे एक बुक मांग ली, ठीक है, और आपने मुझसे कहा कि मैम ये बुक दे दीजिए, कल हम आपको वापस कर देंगे, कुछ नोट्स हमको नोट डाउन करने हैं। मैंने कहा बिल्कुल ले जाओ, बुक मेरी ही रहेगी, आप उस पर अपना नाम लिख दो, कि क्या वो बुक आपकी हो जाएगी, नहीं आपकी बुक नहीं हो जाएगी, वो बुक मेरी ही रहेगी, ओनरशिप मेरी ही रहेगी। सो ओनरशिप इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, बट यहां पे हमें बोला जा रहा है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, मतलब सेल के केस में गुड्स पे आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा आज ले जाओ कल यूज कर देना, तो वो सेल नहीं कहलाएगी, वो सेल नहीं कहलाएगी। सेल कब कहलाएगी, जब आप ओनर ही उसको बना दो, ठीक है, जब आप ओनर ही उसको बना दो, राइट। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए कि आजकल गोल्ड लोन बहुत चला है, गोल्ड लोन है ना, मुथूट फाइनेंस का, उसमें क्या होता है, गोल्ड दिया, पैसे ले लिए, आप क्या कर रहे हो, गोल्ड ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या हम बोलेंगे कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, उस गोल्ड के ओनर आज भी आप ही हो। सो कभी भी ऐसा होता है कि गुड्स आप प्लेज करते हो एज अ सिक्योरिटी, तो हम उसको सेल में नहीं मानते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, सो अगर हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड नॉट जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोसेशन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड नॉट जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोसेशन। सो सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी या एग्री कर लिया कि हम आपको ट्रांसफर कर देंगे द प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ लिया इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस, मतलब फ्री में सेल नहीं हो सकती है, फ्री में सेल नहीं हो सकती है, भले ही आप एक रुपया लो पर सेल तो तभी होगी जब कुछ आप प्राइस चार्ज करोगे, अगर आप फ्री में दे रहे हो तो उसको आप सेल नहीं कह सकते। मोर ओवर एक पॉइंट और यहां पे होता है, पहले के टाइम में आपने सुना होगा बार्टर जैसी कोई चीज होती थी, बार्टर जैसी कोई चीज होती थी, है ना, मतलब कुछ दे लो और हाँ कुछ दो कुछ ले लो, क्योंकि वहां पे मनी वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता था, तुम गुड्स के बदले गुड्स होते थे, है ना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको मैंने चॉकलेट दे दी, उसको मैंने आइसक्रीम दे दी, आप लोगों को नहीं पसंद है, आपने एक्सचेंज कर लिया, तो आपने चॉकलेट के बदले क्या ले लिया, आइसक्रीम ले ली, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, प्रोवाइडेड हम लोग एसर्टेन कर लेते हैं कि हाँ ये भी अप्रोक्स उतने प्राइस का होगा, ये भी अप्रोक्स उतने प्राइस का होगा, जो हमारा फिक्शन होता है। पॉइंट हियर इज, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के केस में यूजुअली हमने क्या देखा है, या
इन अ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे हम कंसीडरेशन का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, कंसीडरेशन दैट मे बी इन कैश और इन काइंड, पर यहाँ पे इन काइंड नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ही चलता है। ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी भी, तो क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात हो रही थी तो आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, सो एक सेलर है जिसने ट्रांसफर कर दिया या एग्री किया कि वो ट्रांसफर कर देगा क्या प्रॉपर्टी इन गुड्स, किसको, बायर को, किस लिए, फॉर अ प्राइस, ठीक है, मतलब फ्री में नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ट्रांसफर कर दिया, सेल हुई, एग्री किया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, मतलब आपने एग्री किया कि यू विल ट्रांसफर, यू हैवंट ट्रांसफर्ड येट, आपने एग्री किया है कि आप ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर का मतलब आपने ओनरशिप दे दी, द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, आपने दे दिए गुड्स, उसको हम बोलते हैं। अब पॉइंट यहां पे ये भी होता है कि डिलीवरी का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर में पढ़ते हैं डिलीवरी का मतलब, बिकॉज मुझे उसमें भी आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब थोड़ी सी देर में पढ़ते हैं। पॉइंट हियर, वापस आते हैं, ट्रांसफर कर दिया मतलब सेल हो गई, एग्री किया, एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट किया है, पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, टर्म से आप समझ पा रहे होंगे कि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होगा। अगर हम वापस जाएं हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स में, क्या एग्जिस्टिंग गुड्स में हम सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या फ्यूचर गुड्स में हम सेल कर सकते हैं, अरे जो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उसको आप ट्रांसफर कैसे करोगे, गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, अभी तो आप मैंगोस प्रोड्यूस करोगे, अभी तो आप ऑरेंजेस उगाओगे, अभी वो ऑरेंजेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो सेल कैसे कर दोगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सकते हो, इसीलिए आप हर जगह देखोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा है, सेल नहीं लिखा है, क्योंकि सेल का मतलब यह है कि आपने ट्रांसफर कर दिया, यू हैव ट्रांसफर्ड द ओनरशिप, अरे जो है ही नहीं उसकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर दोगे, आई गेटिंग माई पॉइंट। तो फ्यूचर गुड्स के केस में अगर आप बात करो तो एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होती है, एग्रीमेंट टू सेल होता है मतलब हम वादा कर रहे हैं आपसे, हम एग्री कर रहे हैं, तो भी आप सेलर हो, हमने आपको बोल दिया कि हम आपको ये गुड्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या हो गया, आप गए आपने कोई गुड्स खरीद लिए और पैसे दे दिए, वो क्या हो गया, सेल हो गया, पर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, अभी चार दिन बाद आएगा तो चार दिन बाद सेल होगी, जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एब्सोल्यूट कब, जब सेल हो गई, कंडीशनल कब, जब एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल में कंडीशनल क्यों, जब सेल हो गई तब तो कोई कंडीशन की बात ही नहीं है ना, मैंने पैसे दिए आपने मुझे गुड्स दे दिए, सेल हो गई, एब्सोल्यूट सेल है। कंडीशनल कब होगी, जब मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने बोला कि हम ये तब प्रोवाइड करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये कंडीशनल हो गई, क्योंकि अभी बहुत सारी कंडीशंस इन्वॉल्व है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल कंडीशनल होता है, और सेल क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है, सेल क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है।